हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल द बेकरी केकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वीगन काजू कतली केक। काजू कतली मुझे कस्टमर ने ला कर दिया है, बोला ये वीगन ही है। प्लस ये जो मैं केक बनाने वाली हूँ ना, आज मुझसे इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, बट समहाउ आई मैनेज और मेरा केक बहुत अच्छे से निकल कर आया। तो मैंने स्टार्टिंग किया पहले लेयर्स को कट करके, लेयर्स में वाटर, थोड़ा सा सिंपल वाटर मैं स्प्रे करती हूँ स्प्रे बॉटल से, कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। लेयर्स कट होने के बाद उसके ऊपर क्रीम की कोटिंग किया। कस्टमर ने बोला अंदर क्रीम चलेगा, लेकिन बाहर का जो लेयर होता है उसमें क्रीम ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। स्पॉन्ज के एकदम पतले पतले लेयर्स नहीं चाहिए मुझे, स्पॉन्ज ज़्यादा चाहिए, क्रीम कम चाहिए। तो मैंने टॉल केक था तो मैंने क्रीम अंदर फिल करने का कोशिश किया, जिसके ऊपर मैंने काजू कतली तोड़ के डाला इस केक में। ये केक मुझे 700 ग्राम्स समथिंग का पड़ गया था, और मैंने काजू कतली ऑलमोस्ट 9 to 10 काजू कतली उसमें ऐड किए थे। ध्यान रहे, जब भी आप किसी भी केक में क्रीम लगाते हैं, उसके ऊपर कोई भी टॉपिंग लेते हैं, तो जो टॉप लेयर होती है ना, उसको प्लेस करने के बाद उसको अच्छे से दबा दें। बीच में, केक के बीच में जब अगर कुछ स्पेस रह जाता है ना, तो केक आपका ऊपर के वेट के कारण नीचे से क्रीम पूरी श्रिंक होने लगती है, जिससे ऐसा लगता है आपका केक मेल्ट हो गया, और कई बार हमारा केक डिसबैलेंस भी हो जाता है। तो ट्राई करें, जब भी आप केक बनाएं ना, तो जब उसके अंदर अगर कोई भी फिलिंग डालते हैं, तो जो टॉप लेयर अगर आप प्लेस कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से पहले प्रेस कर दें, फिर साइड से जो भी क्रीम निकली है उसको इवनली उसी क्रीम से क्रम कोट कर दें। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो वो क्रम कोट होने के बाद हमें फ्रिज में रखना होता है, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने क्रम कोट करने के बाद डायरेक्टली ही ऊपर की फ्रॉस्टिंग स्टार्ट कर दी। अब फ्रेंड्स, मुझसे गड़बड़ ये हुई कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, और मैं बस मेरे दिमाग में था कि मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कस्टमर ने ऑलरेडी बोल चुका था मुझे कि कोई भी आर्टिफिशियल कलर मुझे चाहिए नहीं है, तो मैं जिस स्क्रेपर से ये सारे एजेस का जो सरफेस प्लेन कर रही हूँ ना, उसी स्क्रेपर में ज़िगज़ैग डिज़ाइन बना हुआ है। मैंने उसे ज़िगज़ैग डिज़ाइन को वेव करते हुए बनाने का ट्राई किया, बट फ्रेंच क्रस्ट मानिए वो बहुत ही गंदा लग रहा था, और मुझे इतना ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई थी, मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, वो बहुत परेशान कर रहा था, तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई, बट मैंने समहाउ मैनेज किया। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक कर्व वाला स्क्रेपर है, मैं उसे डिज़ाइन करके देखती हूँ, जो कि बहुत अच्छे से निकल कर आया। गाइज, मुझे टॉप की जो एजेस थी वो अनइवन ही चाहिए थी, क्योंकि मुझे उस पर लस्टर डस्ट का टेक्सचर देना था, तो मैंने उसको अनइवन ही रहने दिया। और फिर मैंने उसके ऊपर ये जो मैं पोरिंग कंसिस्टेंसी में जो मैंने मिल्क मेड डाला है, ये वीगन मिल्क मेड है। ओके कस्टमर, सो अगर आपको ये मिल्क मेड की रेसिपी जानना है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मैं ज़रूर आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। सबसे लास्ट में मैंने फिर उसमें एक छोटा सा पर्ल बॉर्डर दिया, और ज़्यादा कुछ करने का मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि कस्टमर को वैसे भी केक सिंपल चाहिए था। अब ये मैंने एक बाउल में लस्टर डस्ट लिया, उसमें थोड़ा सा एवोप्रिक्स मिलाया, और ब्रश से सारे जो अनइवन एजेस हैं उसको कोट कर दिया। गाइज, यहाँ पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने ये जो मिल्क मेड डाला ना, उसके बाद मुझे फ्रिज में ही रखना था इस केक को, उसके बाद ही मैं ऊपर की कोई बॉर्डर बना सकती थी, बट मेरे पास टाइम इतना कम था, तो मैं वो फ्रिज में तो रख नहीं पाई। तो जब मैं वो बॉर्डर बना रही थी, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, बार बार वो स्लिप हो रही थी। क्या होता है, जब हम कोई भी ग्लेसी चीज़ अगर हम अपने केक के ऊपर डालते हैं ना, तो ज़रूरी होता है उसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखना, अदरवाइज आप जो भी ऊपर डिज़ाइन करेंगे वो स्लिप होगी। बट समहाउ आई मैनेज, और फिर मैंने उसको सब रेडी करने के बाद एक ब्रश में जो मेरे पास लस्टर डस्ट था, फिंगर से टैप टैप करके पूरे केक के ऊपर स्प्रे टाइप किया, और थोड़े से गोल्डन फ्लेक्स लगाए, और उसके बाद मैंने अपना केक को रेडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।